आप भूल रही हैं। नहीं, मुझे अपना घर याद है। आपने मुझे कुछ देना है। है? मैंने क्या देना है आपको? अरे मैंने पूरे 200 रुपए दिए आपको। इतने पैसों में तो सिर्फ बात हो सकती है, वो मैंने कर ली। जी महमूद साहब। अरे खूबसूरत, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो? किचन में। अरे तो तुमने किचन से फोन किया है? मैंने फोन नहीं किया महमूद साहब, मैं यहाँ हूँ। अरे हाँ, तुम तो यहाँ हो, फिर तुमने फोन क्यों किया? मैंने फोन नहीं किया। तो फिर किसने किया है? देखिए कौन है। लेकिन अब तो मैंने फोन रख दिया। महमूद साहब दरवाजे पे देखिए कौन है। अच्छा। मैं तैयार हूँ। मैं भी। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। मैं रेस्टोरेंट पे आपका इंतजार करूंगी। आप काले कपड़े ही पहन कर आ रही है ना? ऑब्वियसली। हेलो जानू, कहाँ हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नबील, मैं आज नहीं आ सकूंगी। क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि अब्बा आ गए हैं। वो अब आए हैं? ओहो, अभी वो घर आ गए हैं तो इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो कोई बहाना बना दो यार। बहाना ही तो कर रही हूँ। क्या मतलब? अब मतलब ये कि I'm so sorry, मैं अभी घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। हाँ, यू टेक केयर, बाय। सोनम, मुझे हजारों में भी पहचान लेंगी। मगर कैसे? मैं कल सफेद कपड़ों में लाल गुलाब लेकर आऊंगा। आप लाल गुलाब सफेद कपड़ों में क्यों लाएंगे? अरे वो तो मैं पहन कर आऊंगा। लाल गुलाब? नहीं, सफेद कपड़े। आप क्या पहन कर आएंगी? कपड़े? कौन से? काले। अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। इट्स अ प्लेजर जानी। मेरे तो लगता है मैंने गलत घंटी बजा दी। अब क्या हो सकता है जानी, घंटी तो बज गई है। आई एम सॉरी। जाते कहाँ हो? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, अब तो वैलेंटाइन के बाद ही छोड़ूंगा। नबील आओ ना। नहीं ना, आओ नबील। खूबसूरत, क्या है? तुम घर में बैठी बैठी बोर नहीं होती हो? तो पूरा दिन काम कर करके थक नहीं जाते? मैं दरअसल बचपन से ही बहुत मेहनती हूँ। शराब, तुम घर पे बैठे बैठे बोर नहीं होते? हो जाता हूँ। तो फिर क्या करते हो? जब मैं बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ ना, तो फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ। हद होती है बेशर्मी की। अच्छा दिखाओ, कोई तस्वीर है इसमें? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मेरी तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। देखो। जब कोई तस्वीर ही नहीं है तो क्या देखो? दरवाजे पर देखो। दरवाजे पर कोई तस्वीर है ऐसी? तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, बोलो। ओहो, दरवाजे पे डोरबेल बजी है, जाके देखो कौन है। अच्छा, आपने मुझे सुनिए क्यों कहा? मैंने मुझे सुनिए नहीं, अजी सुनिए कहा है। बाद में लड़ लीजिएगा, पहले मुझे तो किराया दें। आपके पास 1000 का खुला होगा? हाँ, एक ना एक दिन जरूर होगा। आपके पास 200 रुपए है? हाँ है। आप लाइए। क्या लाऊं? 200 रुपए। अरे 200 रुपए तो है मेरे पास, लाऊं क्यों? मुझे 200 रुपए दीजिए। क्यों? अब टैक्सी वाले को देने? अरे लेकिन मैं तो टैक्सी में बैठा ही नहीं हूँ। अभी खुला करा के देती हूँ। वो खुद नहीं आए? उनका नाम टीवी पर आ गया। ऐसा क्या कर दिया महमूद साहब ने? धमाके में जा भाग होने वालों में उनका नाम भी है, अभी टीवी पर बताया है। नबील, महमूद साहब के अलावा भी तो किसी का नाम हो सकता है ना महमूद, शायद कोई और हो। नहीं, उन्हीं के जाने की उम्र थी, चले गए। दरिये मंगवाओ, लाउंज में बिछाओ। और नबील, मैं इस घर में नाच गाना नहीं होने दूंगी। अरे मैंने यहाँ दरिया बिछाकर चने पड़ने हैं। तुम दरियों पर चने लिखवाओगे? मैं लिखवाऊंगा नहीं, रखवाऊंगा। तुम तो महमूद साहब को ढूंढने के बजाय उनकी मौत की तैयारियां कर रहे हो। खूबसूरत, वो मर चुके हैं। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर आएंगे। वो सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में आएंगे तंग करने के लिए। शान आपने भी। तुम्हारा नहीं है, ये सायमा का फोन है। बगैर उठाए तुम्हें कैसे पता चल गया ये सायमा का फोन है? मुझे ये पता चलाने के लिए सायमा को उठाने की जरूरत नहीं है। मैं भाभी को उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो तुम ये फोन मत उठाना। क्यों ना उठाऊं? क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड का फोन है। कितने घटिया इंसान हो तुम, अपनी दोस्त की बीवी को गर्लफ्रेंड के। महमूद साहब, मैं सालन की नहीं नबील की बात कर रही हूँ। अरे वो तो जल जल कर ऐसा हुआ है। किस लड़की से बात कर रहा है? नबील किसी लड़की से बात कर रहा है। आपने नहीं देखा? नहीं नहीं, वो तो फोन पर है, मैं कैसे देखूं? ओहो, अगर वो फोन पर है तो क्या आप उसे देख नहीं सकते? भाई फोन पर कैसे नजर आएगी? कौन? लड़की? अरे मैं नबील की बात कर रही हूँ। किससे? आप उससे मिले हुए? अरे मैंने आज तक उस लड़की को नहीं देखा भाई, अजीब लड़की। कौन? नाजनीन, आपकी होने वाली बहू। एक बात की मुझे समझ नहीं आती नबील, ये मेरी होने वाली बहू हर हफ्ते अपना नाम क्यों बदल लेती है? आपकी होने वाली बहू नाम नहीं बदलती, बल्कि आपका बेटा हर हफ्ते बहू बदल देता है। अरे अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बेटे की शादी कैसे हो सकती है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ महमूद साहब, नाजनीन मेरी नई और आखिरी गर्लफ्रेंड। इसके बाद तुम खुदकुशी कर लोगे? नहीं, नाजनीन से शादी कर लूंगा। इसका मतलब है कि नाजनीन खुदकुशी कर लेगी? महमूद साहब आज मेरी ब्लाइंड डेट है। नाजनीन ब्लाइंड है? ओहो महमूद साहब, ब्लाइंड डेट का मतलब है ना उसने मुझे देखा है ना मैंने उसे आज से पहले देखा है। ओ मेरी खाला है ना, उनकी भी शादी के 20 साल बाद औलाद हुई थी। तो आपकी भी बहन की हो जाएगी। अरे मेरी बहन के 7 बच्चे हैं। फिर क्या जरूरत है? किस चीज की? बच्चों की। तुम्हें किसने कहा कि मेरी बहन को बच्चों की जरूरत है? तो फिर आपने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कहाँ पर? अरे भाई मेरा मतलब है कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मेरी बहन ने मेरे लिए लड़की देखी है। आप लड़की गोद ले रहे हैं? अरे नहीं भाई, शादी के लिए। आप उस लड़की की शादी करवाएंगे? नहीं करूंगा। आप उनकी शादी करेंगे? लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी बहन के 7 बच्चे हैं, फिर आप उनकी शादी क्यों करेंगे? अरे मेरी बहन ने मेरे लिए लड़की देखी है। आपकी शादी में वो लड़की क्या करेगी? दुल्हन बनेगी। क्या? हाँ। क्यों? आप इस उम्र में शादी करेंगे? हाँ, सुना है कि वो लड़की ना जवान, हसीन और मॉडर्न है। महमूद साहब आपको शर्म नहीं आएगी एक जवान लड़की से शादी करते हुए? बहुत आएगी। नबील सुना तुमने? हाँ नबील सुना। मैं आपसे नहीं नबील से बात कर रही थी। अरे नबील घर पर नहीं है। वो है किधर इस वक्त? ब्लाइंड डेट पर। क्या? हाँ, वो अपनी 7वीं गर्लफ्रेंड से पहली बार मिलने गया है। ये हो क्या रहा है इस घर में? लेकिन मैं तो रानी हूँ। और मैं राजा। कौन आया है महमूद साहब? राजा महमूद। ये आवाज किसकी है? खूबसूरत की। कौन खूबसूरत? आप। लेकिन ये मेरी आवाज तो नहीं है। तो क्या आप किसी और की आवाज में बोल रही हैं? नहीं तो फिर ये आप ही की आवाज है। बैठी नहीं आवाज? नहीं आप। आपने मुझे कुछ बोला ही नहीं तो मैं बैठती कैसे? आप कुछ बोलने से बैठती हैं? जी कुछ। जी आप क्या लेंगी? एक गिलास पानी। मैं आपके लिए अपने हाथों से जूस बना कर लाता हूँ और कपड़े भी बदल के आता हूँ। किसके? अपने। लेकिन कपड़े बदलने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत। महमूद को बुलाओ। आप कौन? मैं उनके होने वाली वो हूँ। तो फिर वो कौन है? वो तो मैं हूँ। क्या? क्या नहीं वो। तो बाहर क्यों खड़ी है? खुशामदीद, वेलकम, जी आनू, मरहबा। क्या? आप पर प्यार आ रहा है। जी? आप ये बताइए कि मेरे लिए लाई क्या है? जी वो ये टूथपेस्ट। हाजरा ने ये भिजवाया है? नहीं, ये हमारी कंपनी ने लॉन्च की है। ओ, आपकी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है? जी, इससे खुशबू भी आती है। अच्छा, फिर तो मैं नबील को दूंगा कि अपनी बगलों में लगाए। क्यों? उनके दांत मुंह में नहीं है? अच्छा, ये दांतों पर लगाने के। ये कौन है? मैं रजिया हूँ और मुझे हाजरा बाजी ने भेजा है आपके पास। हैं? जी तो फिर तुम कौन हो? जी वो मैं तो सेल्स गर्ल हूँ, टूथपेस्ट बेचने आई थी। जी ओहो, महमूद साहब कहाँ इस्तेमाल करेंगे टूथपेस्ट, इनकी तो 25 ही नकली है। आप मुझे बताएं इसके और क्या क्या फायदे हैं?